मैं अपना चेहरा नहीं बदल सकती, लेकिन अगली लाइफ में मुझसे लोगों को शिकायत नहीं होगी। ऐसा कह के कॉलेज की छत पर खड़ी मुक्ता छलांग लगाकर अपनी जिल्लत भरी जिंदगी खत्म करने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। दूर हटो मुझसे। जब उस लड़के ने मुक्ता को पीछे खींचा तो मुक्ता का चश्मा कहीं गिर गया था, इसलिए उस लड़के को वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। मुझसे दूर रहना, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। मिस ब्लैक बेल्ट, तुम्हारी इस स्टुपिडिटी को रोकना भी तो जरूरी था। मुक्ता अपने आप को संभालती हुई उठ ही रही थी कि उस लड़के ने मुक्ता के चेहरे पे अचानक किस किया और गायब हो गया। हाउ डेयर यू। मुक्ता को अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो तुरंत अपना चश्मा उठाकर लेडीज रूम में भागी और खुद को चेक करने लगी। शीशे में उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें दंग रह गई। ये मेरा चेहरा इतना खूबसूरत, मेरे दाग धब्बे पिंपल के निशान कैसे गायब हो गए? मुक्ता को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वही लड़की है जो आधे घंटे पहले ही अपने लुक्स की वजह से पूरे कॉलेज में मजाक बन के रह गई थी। बड़ी आई कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को प्रपोज करने वाली। लगता है आज देर से उठी थी, इसीलिए आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पाई। देखो जरा, ऐसा लग रहा है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में आई है। मुक्ता की गलती इतनी थी कि उसे लगा क्लासरूम में विल यू बी माय वैलेंटाइन का जो नोट उस पर फेंका गया था वो आयुष ने फेंका था और मुक्ता ने उसे हाँ में जवाब दिया था। लेकिन पूरे कॉलेज के उस पर हंसने के बाद उसे पता चला कि वो घिनौना मजाक उसके साथ रिया और सुनैना ने किया था। वो मुक्ता से न जाने क्यों चिढ़ती थी। मजा आ गया ना सुनैना। राइट रिया, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजेदार था ये प्रैंक। उस बेइज्जती का असर मुक्ता पर इतना गहरा हुआ कि उसने कुछ ही दिनों में वो कॉलेज छोड़ दिया और दूसरे कॉलेज में चली गई। और यहाँ उसकी जिंदगी अपनी पिछले कॉलेज की लाइफ से बिल्कुल अलग थी। यार गर्लफ्रेंड हो तो मुक्ता जैसी खूबसूरत। हाय, काश मैं भी मुक्ता जितनी हॉट होती तो मेरे भी आगे पीछे लड़कों की लाइन लग जाती। मुक्ता की खूबसूरती देख के मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती उससे बात करने की। उस अनजान लड़के के किस करने से मानो जादू से मुक्ता का रूप बदल गया था। एक दिन अपनी नई जिंदगी में खुश मुक्ता कैफेटेरिया में बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई और कैफेटेरिया में सभी लोग किसी को चीयर अप करने लगे। एक ही पल बाद जब लाइट आई तो मुक्ता अपने सामने का नजारा देख चौंक गई। मिहिर तुम? मिहिर रायचंद कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था और वो मुक्ता के सामने बुके और बलून्स लेकर अपने घुटनों पर बैठा था। विल यू बी माय गर्लफ्रेंड मुक्ता? मुक्ता के दिल की धड़कनें तेज चलने लगी और अभी वो मिहिर को हाँ बोलने ही वाली थी कि कैफेटेरिया में सभी के फोन पर मैसेज का टोन बजा। मिहिर के दोस्त ने भी उसे अपने फोन पे उस मैसेज में आया वीडियो दिखाया और मिहिर का चेहरा एक ही पल में गुस्से से भर गया। ये क्या है मुक्ता, तुमने ऐसा क्यों किया? मिहिर ने मुक्ता को उसका कौन सा वीडियो दिखाया, कौन था जिसने कॉलेज में सबको वो वीडियो भेजा था, कौन था वो अनजान लड़का और उसके किस करते ही मुक्ता का रूप अचानक कैसे बदल गया? क्या मुक्ता की पिछली जिंदगी उसकी नई कॉलेज लाइफ भी बर्बाद कर देगी? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए परम सुंदरी।